वेलकम स्टूडेंट टू आवर ऑनलाइन क्लास ऑफ सुभाष इंग्लिश स्कूल। स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकेंड का पार्ट पाँच, बंदर और दर्पण। बंदर आप सभी जानते हैं और दर्पण, दर्पण का मतलब होता है कांच, कांच आईना। आइए सीखें। इस पार्ट में हम क्या क्या सीखेंगे? कहानी का हाव भाव के साथ वाचन, कहानी के घटनाक्रम को की समझ, बोध्य चातुर्य का महत्व, संयुक्त अक्षर रेफ और चिन्ह की समझ, समानार्थी शब्द, ये सब हम इस पार्ट में सीखेंगे। किसी जंगल में एक बंदर रहता था। जंगल में एक बंदर रहता था, वह बहुत ही चतुर था। वह कैसा था? वह चतुर था। एक दिन बंदर एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ गया। बंदर कहाँ चढ़ गया? ऊंचे पर्वत पर। पर्वत पर उसे एक थैला पड़ा मिला। उसे एक वहाँ पे क्या मिला? थैला। थैले में एक दर्पण और कुछ मिर्च रखी थी। थैले में उसे क्या मिला? एक कांच मिला और उसमें मिर्चियाँ भी मिली। बंदर ने सबसे पहले एक मिर्च को चक्कर देखा। उसने मिर्ची को चक्कर देखा, मिर्च बहुत ही चरपरी थी, उसे कुछ तीखी सी चरपरी सी लगी। उसने मिर्च को फेंक दिया, वो उसे अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसने मिर्ची को फेंक दिया। उसके बाद बंदर ने दर्पण को उलट पुलट कर देखा। बंदर ने फिर दर्पण को देखा, कांच को देखा, और कैसे देखा? उलट पुलट कर देखा। तभी दर्पण पर सूर्य की रोशनी पड़ी और उसने जब वो उसको देख रहा था तो तभी दर्पण पर सूर्य की रोशनी पड़ गई। सूर्य की रोशनी से उसकी आंखें झपक गई। जब उसको एकदम से चिल्का आया तो उसने क्या करा? उसकी आंखें बंद हो गई। बंदर ने दर्पण को अपनी ओर किया, फिर उसने बंदर ने दर्पण को अपने सामने किया। आप यहाँ पे पिक्चर में देखिए, बंदर है, उसके सामने एक दर्पण है, वह दर्पण को अपनी ओर कर रहा है और उसमें देख रहा है। जब उसने अपनी ओर उस दर्पण को किया तो क्या हुआ? उसे दर्पण में अपना चेहरा दिखाई दिया और उसने क्या देखा? उसमें अपना चेहरा। उसने सोचा यह तो बड़े काम की चीज़ है। उसको समझ में आ गया कि यह काम की चीज़ है मेरे, तो इसके सामने जो भी आता है वह उसमें दिखाई देता है। तो उसको कैसा लगा कि ये काम की चीज़ है, तो उसने उसको रख लिया और उसने ये भी सोचा कि इसके सामने जो भी आता है वह उसे दिखाई देता है। उसने थैला गले में लटकाया और फिर उसने क्या करा? थैले को गले में लटकाया, उसमें दर्पण को संभाल कर रख दिया और उसमें उसने कांच को संभाल के रखा। दर्पण मिलने के बाद बंदर अकड़ता हुआ जंगल में गया और दर्पण उसके पास जब आ गया तो वह कैसे महसूस करने लगा? अपने आप को बड़ा अकड़ महसूस करने लगा और कैसे चल रहा था वो? अकड़ता हुआ सा मार्ग में, जंगल में चल गया। मार्ग में उसे एक पेड़ पर मुर्गा बैठा मिला और जब वो रास्ते में जा रहा था तो उसे पेड़ पर कौन मिला? मुर्गा बैठा मिला। मुर्गे ने पूछा, बंदर भाई कहाँ चले? मुर्गे ने पूछा कि बंदर तुम कहाँ जा रहे हो? बंदर ने अपनी अकड़ में मुर्गे की बात को अनसुनी कर दिया। उसने उसकी बात ही नहीं सुनी। मुर्गे ने जब उसको बोला कि कहाँ जा रहे हो तो उसने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया और सीधा चलता रहा। आगे चलकर बंदर को एक भालू मिला और फिर उसको उसके बाद क्या मिला? भालू मिला। पहले उसे मुर्गा मिला, फिर भालू मिला। भालू ने बंदर को अकड़ अकड़ कर चलते देखा तो पूछा, क्या बात है? उसने अकड़ कर जब चल रहा था तो उसने पूछा कि क्या बात है, आज इतने अकड़ कर क्यों चल रहे हो? भालू की बात सुनकर बंदर ने बिना डरे जवाब दिया, जाओ अपने रास्ते, तुम्हें इससे क्या? उसने बोला कि तुम अपने रास्ते जाओ, तुम्हें क्या करना है कि मैं कैसे भी चलूं? भालू ने आंखें निकाल कर कहा और भालू ने आंखें निकाल कर कहा, यहाँ पे देखिए आप पिक्चर में कि वो उसे रास्ते में क्या मिला, वो देखिए यहाँ पे पिक्चर में उसे एक मुर्गा मिला था, है ना, और एक भालू मिला था, यहाँ एक शेर भी है। आगे उसे देखते हैं क्या मिलता है। लगता है तुम मुझे नहीं जानते, भालू ने आंखें निकाल कर क्या कहा? लगता है तुम मुझे नहीं जानते। बंदर बोला, अरे तुम जैसे को तो मैं थैले में बंद रखता हूँ। और उसने अकड़ कर क्या बोला? तुम जैसे को तो मैं थैले में बंद रखता हूँ, चलो भागो यहाँ से। भालू और बंदर का झगड़ा सुनकर वहाँ एक शेर भी आ गया, है ना। अब कौन आया बाद में उसके पास? एक शेर भी वहाँ पे आ गया। शेर ने उनसे झगड़ने का कारण पूछा। जब वो दोनों, बंदर और भालू दोनों झगड़ रहे थे तो उनसे उन्होंने
झगड़ने का कारण पूछा कि भाई तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो। भालू ने बताया कि यह बंदर बहुत अकड़ रहा है। भालू ने बताया कि यह बंदर आज बहुत अकड़ रहा है, अकड़ कर चल रहा है और जवाब भी अकड़ अकड़ कर दे रहा है। कहता है कि मेरे जैसे को तो ये थैले में बंद रखता है, और ये यूँ कह रहा है कि मेरे जैसे को तो ये थैले में बंद रखता है। भालू की बात सुनकर शेर को भी गुस्सा आ गया। अब उसको जब इस तरह से कटु वचन बंदर ने बोले तो उसको भी बहुत तेज गुस्सा आ गया। वह बंदर को डांटने लगा और शेर ने क्या करा, बंदर को डांटने लग गया। मैं ठीक कह रहा हूँ, बंदर बोलता है, मैं ठीक कह रहा हूँ भालू, ही नहीं तुम जैसे शेर को भी मैं थैले में बंद रखता हूँ। शेर को भी उसने यही जवाब दिया कि भालू को तो नहीं, मैं तो तुम जैसों को भी अपने थैले में बंद रखता हूँ। जब कोई हमसे कोई बुरी तरह से इस तरह से बोलता है, अकड़ कर बोलता है, तो हमें स्वाभाविक ही गुस्सा आ जाता है। उसी तरह शेर और भालू को भी गुस्सा आ रहा था। जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ। और बंदर क्या बोलता है, तुम्हें अगर अपनी जान अच्छी लगती है, जान प्यारी है, तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम यहाँ से भाग जाओ। शेर ने कहा, अगर यह बात है तो जरा थैले में से शेर निकाल कर दिखाओ। तब उसने कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है तो इसमें से शेर निकाल के बताओ। जब आप कह रहे हो कि तुम जैसे को तो मैं थैले में बंद रखता हूँ, तो उसने कहा कि आप अगर ऐसा है तो आप थैले में से शेर निकाल कर बताओ। बंदर ने दर्पण निकाल कर उसके सामने रख दिया और बंदर ने क्या करा, दर्पण शेर को दिखाया। तो उसमें क्या हुआ, शेर का चेहरा नजर आया। दर्पण ने अपना चेहरा देखकर शेर को बंदर की बात पर विश्वास हो गया। जब दर्पण में शेर ने अपना चेहरा देखा तो उसे क्या हुआ, अपनी बात पर विश्वास, बंदर की बात पर विश्वास हो गया। शेर ने कहा, अरे भाई तुम तो बड़े बहादुर हो। शेर ने कहा, तुम तो बड़े बहादुर हो। जब उसने, बंदर ने दर्पण निकाला और दर्पण में शेर को चेहरा दिखाया, तो उसको जब चेहरा नजर आया तो वह क्या समझा कि नहीं, वाकई में ये हम जैसे को थैले में बंद रखता है। तो उसने क्या कहा, अरे भाई तुम तो बड़े बहादुर हो, हम लोग अभी यहाँ से चले जाते हैं। और शेर भी उस चीज़ को देखकर डर गया, तो वह कहने लगा कि नहीं नहीं तुम तो बहुत बहादुर हो, हम यहाँ से जा रहे हैं। शेर और भालू दोनों डर कर वहाँ से भाग गए। चतुर बंदर शान से जंगल में रहने लगा। देखो, शेर और भालू को उस छोटे से जीव ने, बंदर ने डराकर भागा दिया। जबकि शेर कैसा जानवर है कि शेर तो बहुत ही खतरनाक जानवर होता है, वह सभी को मार देता है ना। पर उसने, बंदर ने अपनी बुद्धि से, अपनी चातुर्य से उन दोनों को वहाँ से भगा दिया। इसीलिए कहते हैं कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है, हम कभी किसी परेशानी में होते हैं, तो हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, हमें हमेशा साहस बनाकर रखना चाहिए। अब उसे किसी का डर नहीं था। अब बंदर कैसे रहने लगा, जंगल में आराम से रहने लगा, उसे किसी का डर नहीं था। ओके स्टूडेंट, हमने ये पाठ पढ़ा, बंदर और दर्पण। इसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे, ये से अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। पाठ 5, बंदर और दर्पण। शब्दार्थ, चतुर, होशियार, विश्वास, भरोसा, अकड़, एंट, रोशनी, प्रकाश और उजाला, दर्पण, आईना। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनिए। बंदर को क्या मिला, बंदर को क्या मिला था, क दर्पण, ख किताब, ग फल। उसे क्या मिला था, दर्पण। दूसरा है, बंदर का स्वभाव कैसा था, सरल, चतुर, कपटी। वह कैसा था, चतुर स्वभाव का था। प्रश्न नंबर 2, सही गलत बताइए। जो वाक्य सही है उसके सामने राइट मार्क करना है और जो वाक्य गलत है उसे क्रॉस लगाना है। पहला है, किसी जंगल में एक बंदर रहता था। जंगल में कौन रहता था, एक बंदर रहता था, राइट। दूसरा, थैला खाली था, उसे थैला खाली मिला था, नहीं, उसमें क्या था, बंदर के पास जो थैला मिला था उसमें मिर्ची और आईना था। तीसरा, थैले में दर्पण और मिर्च था, यस। चौथा, रास्ते में बंदर को एक मुर्गा मिला, यस, बंदर को एक मुर्गा मिला था। प्रश्न नंबर 3, सही जोड़ी बनाइए। एक तरफ लिखा शेर, मुर्गा, बंदर, बकरा और हाथी। दूसरी तरफ है मुर्गी, शेरनी, हाथिनी,
बंदरिया और बकरी। ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, तो आपको इससे मैच करना है। शेर का शेरनी, मुर्गा मुर्गी, बंदर बंदरिया, बकरा बकरी, हाथी हथी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला है, बंदर को पर्वत पर क्या मिला था? उसको क्या मिला था? बंदर को पर्वत पर एक थैला मिला। दूसरा, बंदर ने भालू से क्या कहा? बंदर ने भालू से कहा, जाओ अपने रास्ते, इसे तुमने इसे क्या। तीसरा है, बंदर को दर्पण कहाँ से मिला था? बंदर को दर्पण कहाँ से मिला था? बंदर को दर्पण पर्वत पर से मिला था। प्रश्न नंबर 4, बंदर ने दर्पण में चेहरा देखकर क्या सोचा? उत्तर है, बंदर ने दर्पण में चेहरा देखकर कहा कि यह बड़े काम की चीज़ है, इसके सामने जो भी आता है वह इसमें दिखाई देता है। उसने क्या देखा था कि बंदर आईने के सामने जो भी आता है वह उसमें दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 5, बंदर ने शेर और भालू को कैसे भगाया? बंदर ने शेर भालू को कैसे भगाया था? बंदर ने दर्पण निकालकर शेर और भालू के सामने रख दिया। दर्पण में अपना चेहरा देखकर शेर और भालू वहाँ से भाग गए। ओके स्टूडेंट, हमने यह अभ्यास प्रश्न देखे हैं, इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और इसे लर्न भी कीजिए। ओके, गुड बाय।